इस दुसहरे ते देश दे कई हिस्सों च गुस्से च आए किसान बेरोजगार नौजवान भड़के पीड़ ने रावण साड़न ले बने पुतले ते प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का चेहरा लगा के रावण साड़िया अते भड़काऊ नारे लगाए डंडिंग किसी भी प्रधानमंत्री दे नाल अजिहा घटिया सलूक भारत दे इतिहास च पहली बार होया डंडिंग इस दे जिन्नी निंदा कीती जावे घट है डंडिंग प्रधानमंत्री भारत सरकार दा सर्व उच्च मुखी हुंदा है डंडिंग उस दा निरादर देश दा निरादर है इस ले आज तक कदे भी अंदोलनकारियां ने जा विरोधी पार्टियां ने अजिहा कम नहीं से कीता डंडिंग ए बड़ी चिंता वाली गल है अते ए देश दे लोकतंत्र दे तेजी नाल पतनशील होण दा वड्डा प्रमाण है डंडिंग प्रधानमंत्री दा पुतला साड़न वाले असल च उन्हां दियां नीतियां तो दुखी सन जां उन्हां नूं किसे ने सियासी मकसद नाल उकसाया जो भी होवे इस नाल एक गलत रवायत दी शुरुआत हो गई है जो होर भी ज्यादा चिंता वाली गल है डंडिंग दरअसल पिछले कुछ सालां च सियासत दा जो विचार वटांदरा बनिया है अते जिस तरह दी भाषा सियासी पार्टियां दे वर्कर अते उन्हां दे सहयोगी मीडिया कर्मियां अपने विरोधियों प्रति वरत रहे हैं उस नाल ओ दिन दूर नहीं जदों सियासत च गलबात नाल नहीं डांग गोली अते डंडियां नाल ही गल होया करेगी डंडिंग फिर ता जिस दे लाठी उस दे भैंस डंडिंग फिर ना ता कोई विचारधारा बचेगी अते ना ही कोई समाजिक सरोकार दा मुद्दा डंडिंग और अराजकता दी स्थिति होवेगी डंडिंग इस पतन दी शुरुआत बहुत ही सीमित मात्रा च तीन दहाके पहला हुई सी जदों सियासी पार्टियां ने अपराधियों नूं चोणां च उम्मीदवार बनाउणा शुरू कीता सी डंडिंग उदों मैं अपनी काल चक्कर वीडियो मैगजीन च एक रिपोर्ट तैयार कीती सी कि भारत ते माफिया राज करेगा पर उदों हालात इन्ने भैड़े नहीं सन जिन्ने अज हो गए हन डंडी भरा पिछले कुछ सालां तों देश दे पद्धर तों लैके पिंड अते कस्बे तक सियासी हमला वरपुना वधदा जा रहा है डंडिंग कोई अपने विरुद्ध दे गल ना तां शांति नाल सुन ले तैयार है अते ना उस दे तर्क करन ले डंडिंग जरा जिन्ना विरोध भी किसी नूं सहन नहीं है डंडिंग गल गल ते अपने विरोधियों दे प्रति घटिया भाषा दे वरतों करनी उन्हां नूं धमकी देनी जां उन्हां नूं देश द्रोही दसना आम गल हो गई है डंडिंग इस नाल समाज च तना अते असुरक्षा वध रही है डंडिंग ए भारत दा सनातन सभ्याचार नहीं है डंडिंग अजिहा आचरण तां पछमी एशियाई देशां च देखण च आउंदा है जिथे छोटियां छोटियां गल्लां ते कुटमार गोलीबारी अते सिर कलम करन वर्गे हादसे रोज
हुंदे रहिंदे हन। डंडिंग भारत दे सभ्याचार च तां राजे नाल वी इक आम नागरिक उस दे दरबार च अपना विरोध प्रगट कर सकदा सी। डंडिंग पुरातन गोवर्धन पर्वत दे कंडे ते 500 साल पहला एक प्रसिद्ध भजन गायक संत कुंभण दास जी रहिंदे सन। डंडिंग बादशाह अकबर ने उन्हां दी तारीफ सुनी तां उन्हां दा गायन सुन ले सिपाही भेज के उन्हां नूं अपनी राजधानी फतेहपुर सिकरी सद लिया। डंडिंग इस नाल कुंभण दास जी बड़े दुखी हुए। डंडिंग बादशाह दे हुकम ते उन्होंने दरबार च अपना प्रसिद्ध दोहा गाया, संत को कहा सिकरी सो काम आवत जात पनाइये टूटी बिसर ग्यो हर नाम। डंडिंग बादशाह अकबर ने उन्होंने इनाम देना चाहिया ता कुंभण दास जी बोले अज दे बाद अपना मनहूस चेहरा मैनू ना दिखाउणा क्योंकि इस दे चक्कर च अज मेरा भजन भंग हो गया। डंडिंग इस ते दरबारियां ने तलवारां खिच लईआं तां अकबर ने उन्हां नूं रोकिआ अते कहा ए सच्चे फकीर हन, ए शहनशाह दे शहनशाह भगवान श्री कृष्ण दे लई गाउंदे हन, साडे लई नहीं। डंडिंग भाव एक जेकर शासक च अपनी आलोचना सुन दे उदारता होवेगी तां जनता दा गुस्सा इन्ना नहीं भटकेगा कि ओ मर्यादा दे हद लंघ जावे। डंडिंग